वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन्फोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज का हमारा टॉपिक है लेजर क्रिएशन। आप जानेंगे टैली के अंदर किस तरह से आप एक न्यू लेजर क्रिएट कर सकते हैं, आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं और आप उसे डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है क्रिएट ऑफ वाले ऑप्शन पे। क्रिएट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने लेजर का एक ऑप्शन शो होगा। आप लेजर के ऊपर क्लिक करिए। लेजर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसके अंदर सबसे पहले जो नेम है उस ऑप्शन पे आप लेजर का नाम टाइप करेंगे। जो भी आपका लेजर है वो आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक लेजर क्रिएट करता हूँ मोहन इंडस्ट्रीज का, तो मैंने लिखा मोहन इंडस्ट्रीज, यानी मोहन इंडस्ट्रीज है कौन, इसे एंटर करके नीचे आ जाइए। अंडर ऑफ यानी ये आपके जो शो अप हो रहे हैं ये इसके ग्रुप्स हैं, यानी आपको बताना होगा कि ये मोहन इंडस्ट्रीज कौन है। तो मोहन इंडस्ट्रीज हमारा सिंडी क्रेडिटर है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सिंडी क्रेडिटर। सिंडी क्रेडिटर लेने के बाद मैं इसको एंटरप्रेस करूँगा। जैसे मैं एंटरप्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए मेलिंग नेम एड्रेस के अंदर भी मोहन इंडस्ट्रीज आ गया। इसको आप एंटर करके फिल कर सकते हैं। अगर आप इसका एड्रेस फिल करना चाहें तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसका स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप पिन कोड टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर आप उसके बैंक डिटेल यस करके आप ऑप्शन शो करा करके आप इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसका पैन नंबर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उसके बताना होगा कि वो कस्टमर आपका है कौन, यानी कोई अननोन पर्सन है या आपका रेगुलर कस्टमर है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर फिल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल के अंदर यस कराने के बाद भी आप इसके अंदर उसकी जीएसटी डिटेल फिल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सिंपल एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें कुछ भी फिलअप नहीं कर रहे हैं। इसको आप एंटर करके सेव कर दीजिए। जैसे आप इसे एंटर करके आप सेव करेंगे आपका लेजर क्रिएट हो गया। इसी तरह से आप अगर कोई और लेजर क्रिएट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक लेजर क्रिएट करता हूं परचेज अकाउंट का, तो ये परचेज हमारा जाएगा अंडर ऑफ परचेज अकाउंट के। हम यहां पर परचेज को परचेज अकाउंट में डालेंगे। इसको एंटर प्रेस करने के बाद आप नीचे आइए। यहां पर आप देखिए जीएसटी डिटेल आपसे बोल रहा है कि आप इसे एप्लीकेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप जीएसटी इसके अंदर यूज करना चाहते हैं तो आपको इसे एप्लीकेबल कराना होगा। हम अभी सिंपल लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसको कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, हम सीधे एंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है सप्लाई टाइप, यानी आपका ये जो आप परचेजिंग कर रहे हैं वो आप गुड्स बेचते हैं या सर्विस बेचते हैं। तो आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने गुड्स ले लिया, हम एंटर करके नीचे आ जाते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आप बैंक डिटेल टाइप कर सकते हैं और एंटर करके आप नीचे आ सकते हैं। आपके दो लेजर क्रिएट हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके लेजर शो कहाँ पे होंगे। इसके लिए आपको दबाना होगा स्कैप। स्कैप से आप पीछे आ जाएंगे और पीछे आने के बाद आप आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली के बाद यहाँ पर जाएंगे आप अल्टर के अंदर। अल्टर के अंदर फिर से आपका लेजर का ऑप्शन शो होगा। आप लेजर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपके लेजर शो हो गए। हमने यहाँ पर दो लेजर बनाए थे जिसमें आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक कैश का लेजर और एक प्रॉफिट एंड लॉस का, जो हमने नहीं बनाया और ये यहाँ पर पहले से ही बना हुआ है। जब भी आप एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक कैश का लेजर और एक प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर, ये दोनों बाय डिफॉल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। तो इन दोनों को आपको बनाने की जरूरत नहीं है। हमने बनाया था परचेज अकाउंट और हमने बनाया था एक मोहन इंडस्ट्रीज। अगर हम मोहन इंडस्ट्रीज को सेंडरी क्रेडिटर की जगह सेंडरी डेबिटर में रखना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद एंटर करके आप यहाँ पर चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने ले लिया सेंडरी डेबिटर और एंटर करके आप इसको सेव कर दीजिए। यहाँ से आप चाहें तो लेजर को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद अगर आप किसी लेजर को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा उस लेजर के ऊपर, उसको एंटर करना होगा और उसके बाद आपको प्रेस करना होगा Alt+D। Alt+D करते ही आपके सामने डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसे यस कर दीजिए। यस करने के बाद आप देखेंगे आपका लेजर डिलीट हो गया। स्कैप करके आप पीछे आ सकते हैं इस तरीके से गेटवे ऑफ टैली के ऊपर। तो ये टॉपिक था हमारा लेजर क्रिएशन का। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। Thank you.